नमस्कार हम दोस्तों, मैं हूँ स्मित और आप देख रहे हैं यो ब्रो व्लॉग्स को। दोस्तों जैसा कि कल आपने देखा था कि हम बस स्टैंड पे सो गए थे, अगर नहीं देखा था तो बता देता हूँ हम बस स्टैंड पे सो गए थे। एंड गाइस अगर आपको कल की वीडियो देखनी है तो अगर चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अखिल के पिछले वीडियोज़ की, जगह चेकआउट करने ना भूले एंड उसको देख के तभी चैनल पर, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा बच्चों मेरे। एनीवे अभी हम हैं नासिक में एंड हम जाएंगे पंचवटी। वहाँ पर पंचवटी में माता सीता की गुफा है जहाँ पे श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी एंड माता सीता रही थी, वनवास के 14 साल गुजारे थे इन्होंने। एंड वहीं से माता सीता का हरण हुआ था जो रावण जी करके ले गए थे। तो वहीं चलते हैं अब पंचवटी में। कम ऑन दोस्तों, वहाँ से नाश्ता करके हम निकल पड़े थे माता सीता गुफा के लिए। पास में था, 1.5-2 किलोमीटर था, तो भी थोड़े कि हम पैदल चलते हैं। तो पैदल चलते हुए पहुँच गए यहाँ पर। ये रही, यहाँ से लोग अंदर लाइन में जा रहे हैं, प्रॉपर हम भी लाइन में लगते हैं। चलिए कौन कि यहाँ पे श्री राम जी थे, सीता माता थी, लक्ष्मण जी थे, इमेजिन करो। और आप यहाँ पे बैठ रहे हो, यहाँ पे हो, हम यहाँ हैं, सोच के देखो। और पता है ये 73 युग का टाइम का है। मैंने देखा था, जब मैंने नेट पे सर्च किया, मैं कहा यहाँ पे नहीं होगा यार, वो तो डांडर फॉरेस्ट है वहाँ होगा। बट जब पता किया देखा वो फॉरेस्ट था 73 युग के टाइम का, अब नहीं है वो, कलयुग में नहीं है वो फॉरेस्ट। इसीलिए यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ का नाम पंचवटी क्यों है। तो यहाँ पे 5 वट के पेड़ हैं, जैसे 5 नंबर 4 नंबर लिखा है, वो लिख आप देख रहे, दिख रहा होगा। तो ऐसे 5 वट के पेड़ हैं, मतलब बरगद वाले, ठीक है। तो इसलिए उनके नाम पर ही पंचवटी नाम है। फील सा हो रहा है मेरे को कसम से कि यहाँ पे श्री रामचंद्र जी, माता सीता रहती थी यार एक टाइम पर। चलो भाई, आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आप दर्शन करें, बस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को जो ना पता है उनको भी पता लग जाए। तो बोले जाए जी, सीता माता की गुफा से आ रहे थे हम, तो यहाँ पे आपको पता लगा यहाँ पे श्री कपालेश्वर महादेव का मंदिर है। इकलौता पूरे वर्ल्ड में मंदिर है जहाँ पे नंदी महाराज नहीं है। एंड यहाँ पे लिखा है, लेट मी शो यू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यस, हिंदू हैं, सनातनी हैं हम। चलो अभी दर्शन करते हैं महादेव के एंड फिर हम स्नान करेंगे गोदावरी में। दोस्तों माता सीता की गुफा देखने के बाद में, थोड़ा वहाँ पे फील करने के बाद में हम निकल पड़े वहाँ से दर्शन करते हुए कपालेश्वर महादेव। कपालेश्वर महादेव के दर्शन किए हमने एंड फिर हम आगे गोदावरी नदी। लोगों एक बात और है, अखिल की नानी जी ने बताया था क्योंकि उन्होंने भी तीर्थ करी हुई है, तो वो कह रहे थे कि गोदावरी के अंदर अगर आप अपने एक एक जो प्रियजन होते हैं ना, उनका नाम लेकर, जैसे माता पिता भाई वगैरह, उनका नाम लेके डुबकी लगाओ करना, एक एक नाम उनकी, तो उनके जो अपने जो मतलब तीर्थ करा है ना, तो है ना ऐसे होता है जैसे जहाँ भी जमुना नदी जो भी है, गंगा वगैरह, अगर जिसने स्नान नहीं किया है तो उनका नाम लेके डुबकी लगा लेंगे, उनके भी हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, ऐसा होता है, ऐसे मानते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब है ना अगर उनके नाम लेके डुबकी लगाओगे ना, तो मतलब वो भी नहा लिए साथ, तो वो भी हाथ में नहा लिए। तो भाई हम भी करेंगे, हम भी सबको पवित्र नदी को दर्शन कराएंगे, नहलाएंगे। अगर पहले बताए तो भी नर्मदा नदी में भी कर लेते है ना। चलो कोई ना, चल अपने नाम लगाई, तो डुबकियाँ नाम लेते, 7 डुबकियाँ लगा रखी है। चलो 7 डुबकियाँ नाम लेता हूँ, हर एक के नाम के पास चली जाए ताकि उनको भी पवित्र नदी का स्नान हो जाए। चलो गोदावरी नदी में आ गए, यहाँ पे स्नान करेंगे एंड भाग खुल जाएंगे हमारे। दूसरी हमारी पवित्र नदी है, 7 नदियों में से दूसरी गोदावरी। नर्मदा के तो हमने बहुत नहाए, बहुत बार स्नान किए नर्मदा में, गोदावरी वारी, गोदावरी नदी माता, जय माता गोदावरी। चलो फटाफट स्नान करते हैं एंड फिर हमको निकलना भी है त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग हमारा, 7वां है ना, छठा ज्योतिर्लिंग हमारा त्र्यंबकेश्वर महादेव। कमॉन कमॉन, चलो नहाते हैं।
सभी नहा रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या था वो पिंडदान वाला, क्या था पिंडदान वाला? पिंडदान ये कि जैसे बोलते हैं ना कि माँ का कर्ज नहीं कभी उतरता, तो यहाँ पर जिसकी माता ना हो ना यहाँ आके पिंडदान कर सकता है माँ का कर्ज उतारने के लिए। यहाँ पे सभी लोग वही कर रहे हैं, पिंडदान ही कर रहे हैं यहाँ पे। देखो इतने सारे भीड़ दिख रही है, ये सब भीड़ पिंडदान वाली है। चलो हम स्नान करते फिर निकलते हैं। दोस्तों स्नान कर लिया है एंड सभी प्रियजनों जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे घर वाले हैं, उन सभी से, उन सभी के नाम की हमने डुबकी लगा ली है। एनीवे हम निकलते हैं यहाँ से, त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग निकलना है हमको, हमारे छठे ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाएंगे अभी। एंड थोड़ा अब निकलते हैं, मैंने टी शर्ट कर ली चेंज क्योंकि गंदी हुई, काफ़ी गंदी हुई थी यार वो। तो ये है, दर्शन कर लो एक बार लास्ट टाइम, क्योंकि गोदावरी माता फिर हम दोबारा नहीं दिखेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में ही है और कहीं है भी नहीं है। चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ से हम। तो दोस्तों फटाफट चलते बिना किसी देरी के त्र्यंबकेश्वर महादेव। देखो जी हम जा रहे थे सीबीएस बस स्टैंड जा रहे, रेलवे स्टेशन क्या बस स्टैंड जा रहे थे। तो कल आपने अखिली चैनल देखा होगा कि हमने कहाँ खाया था, ये रोल खा रहे थे, आज भी रोल खा रहे हैं, ये सोया बड़ी रोल है। आज हमने दूसरा रोल ट्राई करे, मंचूरियन रोल, तो खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, हमारा छठा ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों आज का दिन काफ़ी सही गया है, जा रहा है सही जा रहा है, गए अब तक आगे जाएगा भी सही, क्योंकि हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, हमारा छठा ज्योतिर्लिंग, छठा ज्योतिर्लिंग। एंड दोस्तों हमने कपिलेश्वर महादेव के भी दर्शन किए थे जैसा आपको दिखाया था मैंने, एंड वहाँ हमने गोदावरी नदी में डुबकियाँ लगाई, अपने अपने परिवार वालों के नाम लेके डुबकी लगाई, उनको याद किया ताकि उनके भी डुबकी के सारे पवित्र, उनके जितने भी उन्होंने कुछ किया होगा, अगर ना किया हो बट किया होगा तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। एनीवे अब हम यहाँ पे आए थे, दिखाता हूँ पॉइंट दिखाता हूँ, हमने दो दिन हमने इतना रगड़ा यूज़ किया, इतना तगड़ा यूज़ किया है ना हमने प्लग का फ्री में, यहाँ बस स्टैंड अभी ओपन भी नहीं, ये बस स्टैंड है ये, बट स्टिल यू नो हम इसको यूज़ करे जा रहे हैं एंड कुछ टाइम यूज़ रहेगा। अब निकलेंगे यहाँ से त्र्यंबकेश्वर महादेव, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमारी यात्रा मंगलमय और आपकी मंगलमय। तो दोस्तों हम वहाँ से अभी बैठे थे, मैंने अपने फ़ोन वगैरह चार्ज लगा के, तो हम CBS बस स्टैंड ओल्ड वाले पुराने वाले में आए थे एंड भाई हमको यहाँ पे मिले ये वाले, क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। अब लोकल ही हो ना? हाँ लोकल ही। लोकल ये भाई ने हमारा चैनल देखा, सब्सक्राइब कर लिया, बहुत आनंद आया, मज़ा आ गया। चलो अब हमारी बस वहाँ लगेगी उस तरफ एंड देखते कब तक आते, हम सीधा त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, वहाँ पर महादेव ज्योतिर्लिंग दर्शन करने हैं हमको, एंड आज शाम से पहले दर्शन करने पड़ेंगे अदरवाइज हम कल लेट हो जाएंगे। चलो कोई ना, बाकी महादेव की इच्छा, उनकी इच्छा बिना क्या कुछ हो सकता है। चलो चलते हैं फटाफट, बस आएगी अभी, फिर अब बस से मिलते हैं आपको डायरेक्ट स्टेशन। यहाँ पे आसपास कौन कौन से जानवर आते हैं? इधर हाँ। इधर में पहाड़ पे, पहाड़ पे कौन से, कोल्ला क्या होता है? कोल्ला कैसे बता रहा था भाई, यहाँ भेड़िया आता, वो मतलब भेड़िया आता है भेड़िया। देखो महादेव का टीका लगवा लिया हमने एंड अब जाएंगे दर्शन करते हैं महादेव के। और ये भाई इसे टीका लगवाया करो जब भी तुम आते हो ना, बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, मंदिर के बाहर मिल जाएगा। याद रखिए भगवान नाम पे कभी भी पैसे नहीं मांगने का, भगवान किसका जरिया है, जानने का जरिया, ना कि पैसे मांगने का जरिया है, ठीक है, याद रखियो, ठीक है, बाकी ओके। चलो जी हम चलते हैं, महादेव को दर्शन करते हैं एंड खुद करते हैं, आपको भी कराते हैं, कम ऑन। जय भोले, जय भोलेनाथ, जय भोले, जय भोले। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन हो गए हैं एंड इसी के साथ हमारा छठा ज्योतिर्लिंग भी कवर हुआ, बड़े खुश हैं एंड दर्शन बड़े प्यारे हुए यार। एंड ये रहा मंदिर, ये है
एंड इस ज्योतिर्लिंग की खास बात ये कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजते हैं। एंड बाकी मैं दिखाऊंगा, ऊपर पढ़ लेना। तो पूरे वर्ल्ड में इकलौता मंदिर है, पूरे विश्व में सिर्फ इकलौता सा मंदिर है जिस शिव जिस ज्योतिर्लिंग में तीनों भगवान दर्शाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, कमाल की बात। आओ भाई आओ, छह हो रह गए। तो भाई करो करो दर्शन, करो भगवान का नाम जपो और मौज मारो लाइफ में। हर हर महादेव। देखो जी, हम पीछे आ रहे थे ना वहाँ पे सामान रखने के लिए, वो पैसे ले रहे थे 60-60 रुपए, बट हमको यहाँ माता जी मिली, हमने माता जी से प्रेम से बात करी, माता जी मान गई। धन्यवाद माता जी, आपको हर हर महादेव। आप माता जी यहाँ फूल पत्र लेती है, हम जब भी किसी मंदिर में आते हैं हम फूल पत्र लेते हैं, क्योंकि हमको पता है महादेव नहीं स्वीकार करेंगे हमारे हाथों से, क्योंकि यहाँ पे अंदर डालते हैं ना, अगर तुम शिवलिंग पे चढ़ाओ ना वो बेटर होता है खुद अपने हाथों से, एज कम्पेयर टू किसी और चढ़ा रहे तुम फेंक के मारे तो अच्छा लगता है, इसलिए हम दूर से दर्शन करते हैं भगवान के, महादेव से कृपा करते हैं, मिल जाती है। धन्यवाद माता, हमने बैग वगैरह ले लिया, अब चलते हैं। एंड एक माता हमारी हो रही, प्यारी सी माता हंस रही है। चलो ठीक है, हाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए। चलो ठीक है माता, ठीक है, हर हर महादेव। तो जी चलो चलते हैं, माता जी ने भी प्रणाम कर दिया हमको, माता जी ने आशीर्वाद दे दिया, अब करते हैं आगे की यात्रा आरंभ एंड ढूंढते सोने को। तो जी दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए हैं, थोड़े हमने खा पी भी लिया, दिखाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। एंड अभी ढूंढ रहे हैं हम सोने की जगह, फिर जगह मिल जाएगी फिर वहाँ पे हम टेंट लगा देंगे ताकि दिक्कत ना हो, और फिर जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि 6:30 हो गए ऑलरेडी, तो हमको जल्द से जल्द जगह ढूंढनी पड़ेगी, या फिर हमको शाम को खाना भी खाना, रात को खा के सो जाएंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे, लेट्स होप जगह मिल जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी तुमको सोना तो वैसे खराटे मत हो जाएंगे, नींद तगड़ी है, दो दिन की नींद बाकी है, दो दो घंटे सोए हैं, एक एक घंटा सो रहे हैं। चलो होप फॉर द बेस्ट कि मिल जाए। तो देखो जी हमारा टेंट गया अलग, अब करते हैं सोने की तैयारी, तब तक के लिए जय श्री राम, और व्लॉग को एंजॉय करें और बाय बाय। राम 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 रा